आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के दिन को वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे इससे जुड़ी हुई सभी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, बचपन से लेकर 20 साल की उम्र तक नई हड्डियाँ बनने की रफ्तार ज़्यादा व पुरानी हड्डियाँ गलने की रफ्तार कम होती है। फलस्वरूप हड्डियों का घनत्व ज़्यादा होता है और वे मजबूत होती हैं। लेकिन 30 साल की उम्र आते आते हड्डियों का गलना बढ़ने लगता है व नई हड्डियों का बनना कम होने लगता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमजोर और खोखली हो जाती हैं, जिससे शरीर आगे की ओर झुकता है व मामूली चोट से हड्डियों के फ्रैक्चर होने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में यह समस्या 4 गुना ज़्यादा होती है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा उन लोगों में होती है जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर, प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी ये बीमारी व्यक्ति को जकड़ लेती है। इसके अलावा ज़्यादा ड्रिंक्स के साथ स्मोकिंग करना, डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारियों में भी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, दुनिया भर में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हर साल 89 लाख से अधिक फ्रैक्चर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर 3 सेकंड में एक ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस शब्द ग्रीक एवं लेटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑस्टियो का मतलब है हड्डी व पोरोसिस का मतलब है छिद्रों से भरा हुआ। हड्डी एक जीवित अंग है जो जीवन भर पुरानी हड्डी गलती जाती है व नई बनती जाती है। जब कई कारणों से गलन की रफ्तार अधिक हो जाए और नई हड्डियां बनने की रफ्तार कम हो जाए, तो उस स्थिति में व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस या हिंदी में कहें तो अस्थि भंगुरता होने की संभावना हो जाती है। इस बीमारी में हड्डियों का घनत्व यानी हड्डी की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई कम हो जाती है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस सबसे पहले 20 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था। इसे मनाने की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम के नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ने यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर एक अभियान के साथ की थी। इसके बाद 1997 में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन और 1998 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के को पार्टनर के रूप में काम करना शुरू किया। दोस्तों, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस में 90 से अधिक देशों में गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस रोगी समाजों के अभियान का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी हड्डियों को मजबूत करके इस बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 1, खाने में कैल्शियम और प्रोटीन युक्त पदार्थों को शामिल करें। नंबर 2, हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठें। नंबर 3, हर रोज कम से कम 45 मिनट का व्यायाम जरूर करें या फिर कोई आउटडोर गेम खेलें। नंबर 4, धूम्रपान और शराब से दूर रहें। और नंबर 5, उम्र 40 पार है और हल्की चोट पर फ्रैक्चर होने पर बोन डेंसिटी जरूर चेक करवाएं। तो दोस्तों, ये थी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।